गाइस वेलकम टू माय अदर गेम प्ले वीडियो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। हो रहा पेड़ से बंधा हुआ वहां सोनू को छुड़ा कर ले जाते हैं और इस तरह पंडित जी की वजह से पूरे गांव को उस जोकर चुड़ैल से आजाद कर लिया गया। ये कहानी है समरपुर गांव की। समरपुर गांव बहुत प्यारा गांव है। गांव में एक हलवाई है राजू हलवाई। राजू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाता है। राजू हलवाई की मिठाई समरपुर और उसके आसपास के गांव में भी जाती थी। सब लोग राजू हलवाई की मिठाई पसंद करते थे। राजू हलवाई को पैदल बहुत दूर जाना पड़ता था। एक दिन राजू हलवाई पास के गांव में इधर ओ भाई साहब तभी उसे रास्ते में सोहन मिला। अरे भाई राजू इतना थके हुए लग रहे हो। अरे भैया इतने पैसे कहाँ बचते हैं कि एक नई बाइक ले लूं। अरे राजू नई बाइक नहीं पुरानी बाइक तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी। क्या सच में पुरानी बाइक भी मिल जाती है? हाँ हाँ मिल जाती है। तुम कल मेरे साथ शहर चलना। दूसरे दिन सोहन और राजू दोनों शहर जाते हैं और सोहन राजू को एक लाल रंग की बाइक दिला के जाता है। राजू बहुत खुश होता है और उसका परिवार भी बाइक को देखकर खुश होता है और उसकी पत्नी खुश होते हुए कहती है, चलो जी अच्छा हुआ अब आपको तुम्हें गांव में पैदल नहीं जाना पड़ेगा और दुकान भी नहीं बंद करनी पड़ेगी। अब मैं भी शहर जा सकूंगी। बाइक को घर के बाहर खड़ी करके सभी सो जाते हैं। उसी रात चंदू पहलवान के घर से पैर गायब हो जाती है। सुबह उठकर चंदू पहलवान जैसे ही बाहर आता है, अरे मेरी पैर कहाँ गई? कल ही तो लाया था मैं। अरे भगवान ये क्या हुआ? मेरी पैर किसने चुरा ली? चंदू पहलवान देखता है ओ भाई साहब भाई इधर आ इधर निशान दिखाई देते हैं। पैर के कोई निशान नहीं होते। पहलवान इधर उधर अपनी बाइक को ढूंढने लगता है। भाई दो बंदे ने सुबह उठकर अपनी दुकान खोल लेता है और वो जब मिठाई देने दूसरे गांव जाता है तो रास्ते में गिर जाता है। तभी भागकर कोई दो किलो गए प्रो। अरे बाप रे गिर गया मैं तो। उठाओ भाई उठाओ मेरी हिम्मत ही खराब है। सारी मिठाई भी खराब हो गई। आज का कुछ दिन ही खराब है। ऐसा कहकर वो वापस दुकान पर आ जाता है। उसे उस दिन काफी नुकसान हुआ लेकिन वो इन सब का दोष किस्मत को देकर शाम को अपनी दुकान बंद कर घर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। रात को सुनीता पानी पीने के लिए उठती है और खिड़की से देखती है कि बाहर बाइक नहीं होती। फिर वो मन में सोचती है दूसरे दिन गांव के सरपंच की गाय गायब हो जाती है और सुंदर पहलवान की तो 10 पैसे ही गायब हो जाती हैं। पूरे गांव में किसी का कुछ न कुछ गायब हो जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। गांव के पानी सही नहीं आते गांव में पीने के लिए कोई नहीं होता। गांव की एक औरत शर्मिला कहती है, जरूर हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। जरूर कोई काला साया पड़ गया हमारे गांव पर। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब सरपंच के पास जाते हैं अब वही कुछ करेंगे। तभी सब लोग इकट्ठे हो सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी बचा लीजिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है गांव में। और सरपंच को पूरी बात बताते हैं। तभी सरपंच एक भारी आवाज से कहता है, आज सुबह से मेरी गाय भी गायब है। रात को मैंने बांधी थी अब गायब है। सरपंच की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी अब हम क्या करें? चिंता मत करो जिस जिसका जो भी गायब हुआ है हम सब जाएंगे और खोजबीन करेंगे। सभी जाकर खोजबीन करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ एक बाइक के टायरों के निशान होते हैं। ऐसे ही टायर के निशान मेरे घर पर भी थे। उस दिन शाम को राजू की पत्नी उसे कहती है, ए जी सुनते हो ये रात को आप अपनी बाइक घर के पीछे क्यों खड़ी करते हो? किसने कहा तुमसे? मैं तो अपनी बाइक घर के आगे खड़ी करता हूँ। भाई रिवाइव कर नाइस।
राजू अपनी पत्नी की बातों को मजाक में लेकर बात को टाल देता है, लेकिन सुमन उस दिन नहीं सोती। अचानक रात को 12 बजे उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ बाइक नहीं होती। अजी सुनो, उठो जल्दी। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो? देखो मैंने कहा था ना, बाइक नहीं है। राजू उठकर देखता है तो वहाँ बाइक नहीं होती। राजू के होश ही हो जाते हैं और वो कहता है, अरे मेरी बाइक कहाँ गई, कौन ले गया? वो ढूंढने चलते हैं। नहीं, रात में जाना ठीक नहीं है, सुबह हम सब मिलकर ढूंढेंगे, रात को वो चोर हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह जब राजू उठता है तो वो बाइक वही होती है जहाँ वो रोज खड़ी करता था। राजू बहुत हैरान होता है। उस दिन सुबह पूरे गांव की औरतों के कहने गायब हो जाते हैं, घर में पड़ा राशन पानी भी गायब हो जाता है, घर में पशु पक्षी भी नहीं मिलते, वहाँ सिर्फ टायरों के निशान होते हैं। उसी दिन सोहन राजू की दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। राजू उससे पूछता है, अरे सोहन, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अरे सरपंच के घर जा रहा हूँ, सभी गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। अरे भाई क्या हुआ बताओ तो सही। क्या तुम्हें नहीं पता, पूरे गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है, सभी के घर से कुछ न कुछ गायब है और वहाँ सिर्फ बाइक के टायरों के निशान मिलते हैं और कुछ नहीं। अरे यही समस्या तो मेरे साथ भी है। क्यों, तुम्हारा भी कुछ गायब हो गया क्या? नहीं, लेकिन मेरी बाइक रात को पता नहीं कौन लेकर जाता है और सुबह वापस रख जाता है। सोहन और राजू सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। राजू, हम तीन लोग आज तुम्हारे घर ही रुकेंगे और पता करते हैं कौन है जो ये सुनिए। रात को सुंदर सरपंच और सोहन राजू के घर ही रुकते हैं।